मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब आपके अधिकारियों ने आपको मना कर दिया था, तो आप एक पोस्ट ये भी डाल देते कि मेरे अधिकारियों ने मना कर दिया, अब मैं नहीं आ रहा हूं, तो हो सकता है हिंसा उससे टल जाती और शोभा यात्रा ठीक ठाक अपना जो है रास्ता तय कर जाती। जो मेवात के छोटे टटकूंजी यूट्यूबर है ना आजकल, यूट्यूबर मतलब घर घर गए पत्रकार बन गए, जो यूट्यूबर जिनको पत्रकार की स्पेलिंग नहीं आती उन्होंने सारा मामला बिगाड़ा है। सारी पोस्ट देख लेना, एएसपी मैडम की बात भी हुई है, उन्होंने ये कह दिया मोनू माने सर नहीं आ रहा है जी, पत्रकारों से एक दिन पहले की पोस्ट डल गई है वो, कि मोनू माने सर नहीं आ रहा है, हमारी उनसे अधिकारियों से बात हो गई है, वो नहीं आएंगे। फिर भी जो लुच्चे और लफंगे जो वहां पे यूट्यूबर हैं, जो आजकल अपने मतलब महान जिनके 1000 फॉलोवर हुए वो ही महान पत्रकार बन गए, उन्होंने डाला ऐसा हो गया सिलेंडर लेने बैठे हैं, फूंक देंगे मार देंगे, तो ये तो सब कायरता वाली बात है जी। वो कायरता वाली बात लगी, लेकिन एक सोशल मीडिया पर अपनी पैठ बनाने के लिए इतनी बड़ी हिंसा करवा देना, या अपना दिल रखने के लिए कि सोशल मीडिया में मेरी जो है मुझे कहीं भी नीचा ना देखना पड़ जाए, उसके लिए इतने तीन तीन जिलों में जो है वो हिंसा फैल जाना, मोनू ये तो कोई ढंग की बात ना हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, एक मेरी पोस्ट में कोई भी साबित कर दे कि मोनू ने उसमें कोई गलत बोला तो मैं सवे जिम्मेदार हूं कोई भी। और ये आह्वान मैं आज नया नहीं कर रहा, 4 साल से हमारी यात्रा निकल रही है, हर यात्रा पे मेरी वीडियो बनती है और पिछली वीडियो भी मैं आपके पास भेज दूंगा, हर यात्रा पे हमारी वीडियो बनती है कि सभी भाई आए अपने मंदिरों पे जल अभिषेक करें और मेवात यात्रा में हिस्सा लें। वो तो बहुत सालों से वहां पे जिस तरह से मेला लगता था और जिस तरह से मंदिर से शोभा यात्रा निकलती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें भी तकलीफ इसी बात की है कि इसी बार क्यों दिक्कत हुई, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्ट बताया जाता है। वो पोस्ट बताया जाता है लेकिन हिंसा का तो वो है, वो जो बैठा है एक वहां पे विधायक, वो सांप बना बैठा है जी, वो ही करा रहा है जो कुछ करा रहा है, कि फिरोजपुर जिरगा का मैं हो गया, उसको वोट की राजनीति करनी है। बताओ वहां पे संसद में वो ये कहने जरूरी थी कि मैं प्याज सी फोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, मेवात में आओ। आपको मोनू लगता है ना कि आपकी और विधायक की जुबानी जंग ने किस तरह से हरियाणा को डिस्टर्ब करके रख दिया? मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं गलत हूं तो विधायक को मेरे साथ अंदर घुस दे, मैं तैयार हूं। आप सरेंडर करोगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे, विधायक को पहले लो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। चलो भाई विधायक जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।